रे 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 दिया तो बुझ गया। अवीर अभी तक नहीं आया। बहुत दुख हो रहा है हमें आप सब के लिए। न जाने क्या क्या सपने देख रखे थे आपने। मन ही मन मोटे मोटे लड्डू फोड़ रहे थे आप कि सखा वीर आएगा, इसे बचाएगा, हमें सताएगा। परंतु सखा वीर नहीं आया। आज हम आप साफ सबके सामने एक बात स्वीकार करते हैं कि सखा वीर के ना आने से आप लोगों से भी अधिक निराशा हमें हुई। सत्य कह रहे हैं, बड़ी मंशा थी कि सखा वीर यहाँ इसे बचाने आएगा, हम उसे पकड़ लेंगे और सर धड़ से अलग कर देंगे उसका। सखा वीर क्यों नहीं आया ये हम बताएंगे या आप बताएंगे? हम बताएंगे। हो सकता है कि हमारे इस महल के भीतर आने से सखा वीर भयभीत हो गया हो। क्यों नहीं कार्य करें, इसे यहां नहीं वहां ले जाकर मृत्यु दंड देते हैं जहां प्रथम बार सखा वीर झुंझार के समक्ष आया है। और झुंझार को श्वानों की भांति पीटा गया। जा, और थोड़ा समय दे दिया तुझे या सखा वीर को। जल्दी जल्दी इन सुगंधित तेल वाले दियो को सारे कक्ष में जलाओ। राणा जी किसी भी क्षण आते होंगे। और तुम क्या यहां खड़ी हो? ये तकिए को ठीक से सजाओ और उसके आसपास फूल की पंखुड़ी अच्छी तरह। काम चोर होती जा रही हो सबकी सर। तभी तो हमें राणा जी के साथ होने के बजाय स्वयं यहाँ व्यवस्था करवानी पड़ रही है। खम्मा गणे महारानी साहब। कोकोया जी, राणा जी के बारे में कुछ पता चला? निकले वे अपने कक्ष से, भोर होने को आई है। क्षमा करे महारानी साहब, मेवाड़नाथ बावजीराज प्रताप के साथ ही है और उनको वही नींद आ चुकी है। दिवाली की रात भी राणा जी हमारे साथ नहीं होंगे। उठो सब और जाओ यहां से। शुरू केवल सखा वीर के लिए हम एक से दस की गिनती करेंगे, परंतु गिनती हम उल्टी की। दस एक। ये कृष्णा कहाँ रहेंगे? शुरू करें। दस नौ आठ सात पांच प्यार के पश्चात क्या आता है? तुम बताओगे या हम बताएं? हम बताएं। तीन दो
एक। सखा वीर, बोल दे। बोल दे। आप धन्य हैं हुकुम। कौन? कहां से बोला? कृष्णा, कृष्णा। सुंदर जी बावड़ो हो गया। तो वही लड़की हो ना, वही सुंदर लड़की, तेज तरार कटार जैसी नुकीली उस बुढ़िया के घर में थी। हाँ हुकुम, हम वही लड़की आज जिस प्रकार अपनी सारी प्रजा के सामने निडरता से अपने साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया, तो हमें लगा। क्या लगा? हमें लगा कि हम भी हर रात आप जैसे वीर राजा के ही तो सपने देखते आए। अब देर किस बात की, हमें अपनी बाहों में ले लो और हमारे पाप धुल जाने दो। जो चाहे बना लो, परंतु मुर्ख मत बनाओ। कौन? हम मूर्ख दिखते हैं, उतने मूर्ख नहीं। क्या लगा आपको? अब किस नाटक का हमें पता नहीं चलेगा। चलो सारण, और तेज। सुंदरी, सर्वप्रथम तो हम उस दूढ़ा से निपटेंगे। सुल्तान, छोड़ दे उसे। तत्पश्चात आपको भी उसके पास। नाय पन्नादाय, लटका दो इसे। रुक जाओ सुल्तान सिंह। धन्यवाद सारा।
हमारे विचार से तुम डूडा को सार्वजनिक रूप से फांसी इसीलिए दे रहे थे ताकि हम यहाँ इसे बचा लें और तुम हमें पकड़ सको। तो अब इस फांसी की क्या आवश्यकता है? हम हैं तुम्हारे साथ। छोड़ दो डूडा का। सखा वीर पधारे हमारे देश जी बावड़ो। वैसे तो अतिथि देवो भव होते हैं, परंतु अतिथि की सारी बातें हम नहीं मान सकते क्योंकि राजा हम हैं, तुम नहीं, और हम वही करेंगे जो हमारा मन कहता है। पहले हम इसे फांसी से लटकता फड़फड़ाता देखेंगे, हमारा जी बावड़ो करेंगे और तत्पश्चात यदि एक सूत्र भी आगे बढ़ा तो हम सौगन खाकर कहते हैं सर सर हम यहाँ से सदा सदा के लिए अदृश्य हो जाएंगे। बोलो सुल्तान सिंह, क्या यही चाहते हो तुम? नहीं 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 सखा वीर, नहीं। लोग चाहे जो भी समझ ले, परंतु हम जितने बुरे दिखते हैं उतने बुरे हैं नहीं। न्याय प्रिय राजा है हम। जब भी मामला काटे का हो तब हम स्वयं को और हमारे शत्रु को समान अवसर देते हैं, और फिर हमारी प्रजा, भोली भाली प्रजा, उनका तो हमें सोचना पड़ेगा ना। न जाने कितने समय से प्रतीक्षा कर रही थी इस मनोरंजन के पल के लिए, ऐसे कैसे इस पल को हम जानेंगे? परंतु एक दुविधा है, इसको जितना जीना था उतना तो जी चुका, इसके साथ क्या करें? ये तुम बताओगे या हम बताएं? हम बताएंगे। इसके साथ सैनिकों देर में बीच में क्या कर रहे हो? रुको रुको, रुक क्यों गए? मारो। ओहो, मतलब मारो, ऐसे मत मारो कि वो मर जाए, क्योंकि ऐसे तो हम मारेंगे उसे फांसी के फंदे पे लटका के। उसे छोड़ दो, मुझे लटका दो, तो लटका दो मुझे, पर उसे छोड़ दो सुल्तान सिंह। रुको 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 रुको, भूल गया मैं, भूल गया भूल गया। एक बात तो हम भूल ही गए, जिसके लिए हमारी प्रिय प्रजा ने इतनी प्रतीक्षा की, हमने इतने कष्ट उठाए, हमारे सैनिकों ने इतना परिश्रम किया, उस महान सखा वीर मुख दर्शन तो हमने किया ही नहीं। कैसे कैसे तुम्हें फांसी के फंदे पर लटकाने से पूर्व हमारा मुख देखना तो बनता है। हाँ
हम हैं सखा वीर। तूने तो यूं ही किसी और को पकड़ रखा है मूर्ख। तुम सखा वीर हो, ये कौन है? होगा कोई हमारी प्रसिद्धि को भुनाने वाला बहरूपिया। बहरूपिया? ओ कृष्णा, ये क्या कर रही हो तुम? हुक्म, हम क्या करें? किसे पकड़े और किसे छोड़े? उसे पकड़ो, इसे छोड़ दो। ए, इसे पकड़ो, उसे छोड़ दो। नहीं रुको, सोचने दो, सोचने दो। विचित्र परिस्थिति है, विकट परिस्थिति है। क्या करें, क्या ना करें, किसे पकड़ें, किसे छोड़ें? क्या सोच रहा है सुल्तान सिंह? हमें लगा था कि तू बड़ी सरलता से छद्मवेशी और असली का अंतर समझ जाता होगा, किंतु ये भी तेरे शौर्य की झूठी प्रचार जैसी झूठी बात है। पकड़ो इसे! हमारा अश्वलाव, अश्वलाव हमारा! सभी लोग अपने अपने घर सुरक्षित जाइए, शीघ्र। डूडा, डूडा, हमें यहाँ से शीघ्र निकलना होगा, हमें कृष्णा की सहायता करनी है। चलिए। मुझे पहले से ही पता था बाहुजीराज कि आप भी सखा वीर हो। हुकुम, वो देखे सखा वीर का घोड़ा। ढूंढो। हुकुम, यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ सखा वीर का घोड़ा है। कोई नहीं, यहाँ है तो सखा वीर का। अब हमें किसी भी हाल में उस राव सुल्तान सिंह से कृष्णा को बचाना ही होगा।